हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं सुमित, आज हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पे OnePlus 7 Pro का। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों देख सकते हैं आप सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये स्मार्टफोन। यहाँ पे इसका जो बैक पैनल है यहाँ पे बहुत ही शाइनी, यहाँ पे हमको यहाँ पे ग्लासेस और लुक यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। और बॉडी की बात करें तो यहाँ पे इसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी हुई है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पे हाथ में पकड़ने के बाद ये फ़ोन यहाँ पे प्रीमियम लगता है दोस्तों। सो बैक साइड में हमको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, साइड में हमको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ बटन। और अगर दूसरी साइड की बात हम यहाँ पे करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर्स बटन। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले साइड से थोड़ी सी कर्व है। और यहाँ पे बॉटम की बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे एक स्पीकर और यहाँ पे सी टाइप का यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और माइक्रोफोन। दोस्तों कुछ इस प्रकार ये स्मार्टफोन का यहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन की बात करें तो हमको यहाँ पे 88 एस्पेक्ट रेशियो वाली यहाँ पे फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है दोस्तों, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। सो यहाँ पे डिस्प्ले के टच की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले का टच काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे बहुत सा फ्लूड यहाँ पे फ्लूएंट यहाँ पे डिस्प्ले चल रहा है विदाउट एनी लैगिंग। बहुत स्मूथ टच को इस फोन यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है। सो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे OnePlus यहाँ पे फ़ोन इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। ये फ़ोन जो यहाँ पे OnePlus 6 से काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है, काफ़ी इस परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे बूस्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर गेमिंग की बात करें तो दोस्तों इस फ़ोन में मैंने बहुत सारे गेम खेल के देखे, पबजी से लेकर एसफाइल 3 के तक सब गेम मैंने यहाँ पे खेल के देखे हाई एंड गेम। तो अभी भी यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आया। और अगर इसके OS की बात करें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे एंड्रॉयड का 9 और यहाँ पे ऑक्सीजन OS 9.5 यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉयड का पाव वर्जन हमको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। और इसकी यहाँ पे चिपसेट की बात करें तो हमको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 6840 यहाँ पे चिपसेट मिल रहा है। एंड्रॉयड का 640 का यहाँ पे जीपीयू मिल रहा है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है दोस्तों हमको यहाँ पे। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पे स्मार्टफोन का काफ़ी क्विक यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है विदाउट एनी लैगिंग। और अगर हम यहाँ पे कैमरेज की बात करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम सा लुक है दोस्तों फ़ोन में, देख सकते हैं आप। काफ़ी यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे स्मार्टफोन की बनाई गई है। यहाँ पे 1080p की यहाँ पे हमको रिजोल्यूशन में डिस्प्ले मिल जाती है। और बैक पैनल में हमको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा भी है और यहाँ पे एक फोटो लिक सेंसर भी मिल जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे बहुत वाइड जूम हमको यहाँ पे मिल रहा है। आप हम बहुत दूर तक यहाँ पे जूम कर सकते हैं, देख सकते हैं स्मार्टफोन का यूज़ करके। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमको पॉपअप कैमरा मिल जाता है जो है 16 मेगापिक्सल का। जैसे आप ऐप ओपन करते हो कैमरा ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया फीचर है यहाँ पे। अगर पर आप इस फोन के कैमरे को अपने आप से यहाँ पे अंदर डालने की कोशिश में जाना है ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो हमको यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है दोस्तों। काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे डिस्प्ले वर्क कर जाता है। तो दोस्तों इस फोन की प्राइस नियर अबाउट 30,000 से 40,000 होगी दोस्तों। चार्जर भी हमको यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे टर्बो चार्जर मिल रहा है, जिससे यह फ़ोन यहाँ पे फास्ट डिस्चार्ज हो जाएगा दोस्तों। इस फ़ोन की सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि ये फ़ोन में मुझे एक भी लैग देखने नहीं मिला। मैंने बहुत सारे गेम खेल के देखे यहाँ पे, एसफाल्ट वाले एसफाल्ट खेल के देखा, पबजी खेल के देखा, यहाँ पे थोड़ा सा भी लैग मुझे दिखा नहीं। और यहाँ पे हीटिंग का भी कोई इशू नहीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो।